Hey guys, welcome back to my channel. And the another name of the channel is Vardhan Classes. Here you can get videos related to English literature. I have uploaded a video related to Lord Byron, and now I am discussing about the second part of Lord Byron. In the previous video, I have discussed about Lord Byron's story and some other works and notable key points. And now I am discussing about Lord Byron's next works in detail. Okay, if you want any kind of help from me, you can comment me on the comment box. And if you want any grammar videos, I also want to upload some kind of grammar videos, because I have seen a paper which I have seen there are so many grammar portion. Near about 25 questions are covered in grammar portion, and you should also cover the grammatical portion because it is so important. We know about literature, but sometimes we don't know about the grammar portion. You try your best to do all. And if you belong to general category, you have to do lots of struggle, because general categories cutoff is so high. Okay, now I'm starting the video with the publication of the BAPO. Okay, now I am using the pen. Yes, BAPO is published. BAPO कब published हुआ? In 1818. देखो 1816 में बायरन ने इंग्लैंड छोड़ दिया. कहाँ चले गए? इटली चले गए. उसके बाद अब क्या हुआ? जो उन्होंने 1818 में लिखा BAPO, 1818 में एक भी लिखा था, एक कैंटो लिखा था फोर, भूलना मत. Marks the appearance of new poetic manner on which Byron's present reputation as a poet largely rests. इन्होंने appearance को दिखाया था new poetic manner on which, जिसमें Byron ने present reputation as a poet की दिखाई थी. BAPO in Ottawa Rima Board. BAPO किस में है? ध्यान रखने हैं key points है. BAPO किस में है? Ottawa Rima. Introduce Byron the humorist to the poetry reading public. किस चीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया? देखो बायरन को, ह्यूमरिस्ट को, टू द पोइट्री रीडिंग पब्लिक. शॉर्टली आफ्टर द अपियरेंस ऑफ बायरन, बायरन की अपियरेंस के बाद, बायरन बिगेन हिज ग्रेट मास्टर पीस. बायरन जो BAPO है, जो बायरन की क्या बन गई? ग्रेट मास्टर पीस बन गई. डॉन जुआन की अगर हम बात करें BAPO के बाद, तो ये क्या है? ये एक एपिक सटायर है. ये एक एपिक सटायर है इन द फॉर्म ऑफ पिकरस वर्स टेल. किस चीज़ की फॉर्म में है ये? पिकरस वर्स टेल. पिकरस क्या होता है? जो एक रग की कहानी को दिखाया जाता है, और ये वर्स में है. ओके, ध्यान रखना, ये पोएट थे, इन्होंने जो भी लिखने की कोशिश की वर्स में. द फर्स्ट टू कैंटोज ऑफ जॉन डॉन जुआन वर बिगेन इन 1818 एंड पब्लिश्ड इन जुलाई 1819. जो टू कैंटोज थे ना डॉन जुआन के, जो 1818 में इन्होंने स्टार्ट कर लिए थे, और पब्लिश कब करवाए थे? 1819 में. बायरन ट्रांसफॉर्म्ड द लेजेंडरी लाइबर्टाइन डॉन जुआन इंटू एन अनसोफिस्टिकेटेड इनोसेंट यंग मैन. जो बायरन ने जो ट्रांसफॉर्म किया था लेजेंडरी लाइबर्टाइन डॉन जुआन को अनसोफिस्टिकेटेड इनोसेंट यंग मैन में. डॉन जुआन रिमेन अनफिनिश्ड. डॉन जुआन हमेशा ये क्या रही? अनफिनिश्ड रही. बायरन कंप्लीटेड 60 कैंटो. बायरन ने 16 कैंटो कंप्लीट किए. एंड हैंड बिगेन द 17th बिफोर हिज ओन आई इलनेस एंड डेथ. इन्होंने 17वां शुरू कर दिया था अपनी बीमारी और अपनी मौत से पहले. इन डॉन जुआन ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द एक्सेसिव मेलंकरी ऑफ चाइल्ड हुड. जो डॉन जुआन है, उसमें ये एबल हो गए अपने आप को फ्री करने में फ्रॉम द एक्सेसिव मेलनकली, जो भी मेलनकली थी, ऑफ चाइल्ड होराल्टी एंड रिवील अदर साइड ऑफ हिज करेक्टर एंड पर्सनैलिटी. और जिसने क्या दिखाया है उनके करेक्टर और पर्सनैलिटी के अदर साइड को. इसके बाद अगर हम बात करें इन 1821 एंड 22, 1821 और 22 को बायरन मेड ए बिड फॉर फेम इन द फील्ड ऑफ ड्रामा. इन 15 मंथ्स ही रोट 4-5 एक्ट प्ले सार्डेनेपलस मैरिनो फेलेरी.
टू फास्केरी एंड वर्नर। इन्होंने एक प्ले लिखना था, फाइव एक्ट प्ले था, जो क्या नाम है इनका फाइव एक्ट प्ले, सो डेनेपलस मैरिनो फेलेरी द टू फॉस्कैरी एंड द वर्नर। दीज आर लार्जली कंसीडर बायरन्स लीस्ट रीडेबल पोइट्री। इनको माना जाता है बायरन की लीस्ट, बहुत कम पढ़ी गई पोइट्री। ड्यूरिंग द सेम पीरियड ही रोट केन। इसी पीरियड में इन्होंने क्या लिखा, केन लिखा, ए प्ले इन थ्री एक्ट्स। एक प्ले था जो कितने एक्ट में था, थ्री एक्ट में था, एंड टू ड्रामेटिक फ्रेगमेंट्स। और इन्होंने दो ड्रामेटिक फ्रेगमेंट्स लिखी, हैवन एंड अर्थ एंड द डेफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड। कौन कौन सी लिखी, एक तो कौन से साल की बात हो रही है, 1821 और 22 की, ओके। एक तो इन्होंने फोर फाइव एक्ट प्लेज लिखा, ओके, जिसको कम पढ़ा गया। उसी पीरियड में उन्होंने केन लिखा, ए प्ले इन थ्री एक्ट, प्ले था थ्री एक्ट में, एंड टू ड्रामेटिक फ्रेगमेंट्स लिखी, हैवन एंड अर्थ। कौन सा, हैवन एंड अर्थ एंड द डिफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड, ये इन्होंने लिखा। उसके बाद बात करें इनकी 1822 की, वन ऑफ बायरन्स मोस्ट परफेक्ट पोम्स एंड वन ऑफ द बेस्ट सटायर इन इंग्लिश पोइट्री, द विजन ऑफ जजमेंट। देखो 1822 में इनकी मोस्ट परफेक्ट पोइम थी और उनका बेस्ट सटायर माना गया है, कौन सा माना गया, द विजन ऑफ जजमेंट वॉज पब्लिश्ड इन जॉन हॉर्न्स पीरियोडिकल्स। किस में पीरियोडिकल हुआ है, जॉन हॉर्न्स पीरियोडिकल में, द लिबरल, द विजन ऑफ जजमेंट इन ओटावा रीमा। विजन ऑफ जजमेंट भी ओटावा रीमा में थी। इट इज़ एन अम्यूजिंग अटैक ऑन जॉर्ज थर्ड। किस पे अटैक थी, ये जॉर्ज थर्ड पे अटैक थी, दो फोर्थ एंड ऑन द पॉइट लॉरेट रॉबर्ट साउथी, ओके। इन सब पे देखो अटैक थी ये, ए विजन ऑफ जजमेंट किस किस पे अटैक थी, एक तो जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ, रॉबर्ट साउथी। क्यों, वो रॉबर्ट साउथी पोएट लॉरेट थे। बायरन रिटर्न टू डॉन जुआन इन 1822 एंड मे 1823 हैड रिटन ए टोटल ऑफ 16 कैंटो। बायरन फिर दोबारा जो हमारी डॉन जुआन की तरफ आ रहे हैं 1822 और 1823 को, और इन्होंने कम से कम इसके 16 कैंटोस कंप्लीट कर लिए थे। द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन सिक्स सेपरेट वॉल्यूम्स बिटवीन 1890 एंड 23। इसको सिक्स, मतलब इनको सेपरेट सिक्स वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया गया 1819 और 1823 में। ड्यूरिंग द पीरियड टाइम बायरन वाज कंपोजिंग डॉन जुआन, इस टाइम पे बायरन कंपोज भी कर रहे थे डॉन जुआन को, ही आल्सो रोट सेवरल हिस्टोरिकल सेट। इन्होंने कई हिस्टोरिकल सेट को इन्होंने क्या किया, पब्लिश लिखा, एंड हाईली पॉलिटिकल प्लेज, और कई पॉलिटिकल प्लेज को लिखा, इंक्लूडिंग मैरिनो फेलेरो, जिसमें देखो पॉलिटिकल प्लेज क्या, मैरिनो फेलेरो 1820, सार्डाने प्लस जिसकी बात हमने की थी, लिस्ट पढ़ा गया 1821, द टू फास्केरी 1821, द बिब्लिकल थीम्ड केन जो कि थ्री एक्ट प्ले था, पहले पढ़ा था 1821। बायरन रोड दिस लार्जेस्ट क्लोजर ड्रामा। बायरन ने इनको मोस्टली क्लोजर ड्रामा में लिखा था, बायरन ने, ये ध्यान रखना, क्लोजर ड्रामा में लिखा गया था। क्लोजर ड्रामा वो ड्रामा होता है जिसको परफॉर्म नहीं किया जाता, जस्ट रीड किया जाता है, मैन टू बी रीड अराउंड और परफॉर्म विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मोस्ट, ओके। ओनली मैरिनो फेलेरो वॉज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज ड्यूरिंग बायरन लाइफ लॉन्ग। जो मैरिनो फेलेरो है इसको ही परफॉर्म किया गया था बायरन की लाइफ टाइम पर, एंड दिस वॉज द ग्रेटेस्ट, दिस वॉज अगेंस्ट हीज एक्सप्रेस विशेज। ये किसके विशेज था, इनके जो भी एक्सप्रेस विशेज था इसके अगेंस्ट था। ही लेटर इम्फेसिस टू जॉन मूरे हु पब्लिश दीज इन इंग्लिश। वो उन्होंने इम्फेस किया जॉन मूरे को, जिन्होंने इनको इंग्लैंड में पब्लिश करवाया, एंड ही अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वांटेड दिस प्ले परफॉर्म थिएट्रिकली। बायरन हैड लिव्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इटली। बायरन देखो इटली चले गए 1816 में, कई पार्ट्स में रहे ये इटली में, फ्रॉम हिज अराइवल इन द कंट्री इन 1860 1816 में गए थे, इन जुलाई 1803 ही लेफ्ट इटली टू ग्रीस। उसके बाद ये ग्रीस चले गए, ठीक है। इन्होंने इंग्लैंड के लोग भी इनको पसंद नहीं करते थे, इनकी वाइफ से डिस्प्यूट था, लव अफेयर थे, छोड़ दिया 1816 में इंग्लैंड। उसके बाद इटली चले गए, इटली भी इनको
सेटिंग नहीं आई। 1823 में वहाँ से ग्रीस चले गए। ग्रीक इन दिस स्ट्रगल टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम टर्किश रूल, क्यों चले गए? अपने आप को फ्री देमसेल्फ फ्रॉम टर्किश रूल से। ही डाइड ऑफ अ फीवर ऑफ मिसोलोंगी ग्रीस ऑन अप्रैल 1923। इनकी डेथ हो गई थी मिसोलोंगी में, ग्रीस में 19 अप्रैल 1823 को। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई ओनली अपलोडेड डॉन जुआन समरी। ओके, आई यू हैव सीन दिस एंड आई अपलोडेड इट ऑन, आई थिंक दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। कीप रीडिंग, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।